ऑल व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज मैंने कुछ अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ पढ़ी। पोइट्री मेरा शौक़ है और मुझे पढ़ने में, अच्छी पोइट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और मैं उसे चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी वो पोइट्री सुनाऊँ। तो जो पोइट्री लवर्स हैं तो उनको यकीनन पोइट्री पसंद आएंगी, तो मैं वो पोइट्रीज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो पोइट्री सुनाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे वही अर्ज़ करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें, और फिर उनमें से आपको जो वीडियोस अच्छी लगे उन्हें देख के उन पर कमेंट करके मेरी हौसला अफज़ाई कर सकें। तो आज भी मैं आपको कुछ पोइट्रीज सुना रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो उन पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सुनाई हुई पोइट्रीज आपको कैसी लगी। मुझे शायरी का बहुत शौक़ है, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायरी बहुत पसंद होगी, तो उनके लिए मैं वक्तन फवक्तन अच्छी अच्छी शायरीज़ अपने चैनल से सुनाती रहूँगी। तो अगर ये वाली शायरी आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं सुनाती हूँ आपको अपनी पहली शायरी, मेरी अपनी लिखी हुई नहीं है, मुझे पसंद आई है तो मैं आपको सुनाती हूँ। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई ख़ास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, एक ख्वाब अधूरा पूरा सा, एक फूल है रूखा सूखा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक अपना है अनदेखा सा, एक रिश्ता है अनजाना सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा दीवाना सा, बस एक बहाना अच्छा सा, जीवन का ऐसा साथी है जो दूर हो तो कुछ भी पास नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई ख़ास नहीं। होप कि आपको भी ये पोइट्री अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको एक दूसरी पोइट्री सुनाती हूँ, ज़रूर सुनिएगा। सुनो ए मेरे हमराही, अभी तुम कह रहे थे ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती, चलो माना कि ये सच है, मगर ए मेरे हमराही मुझे इतना बताओ तुम कि जब मौसम बदलते हैं, गुलों में रंग भरते हैं, तो फिर क्यों मुस्तरिब होकर अकेलेपन से घबराकर हवा को राज देते हो, मुझे आवाज़ देते हो। सुनो ऐ मेरे हमराही, तुम्हारे सामने कोई मेरा जब नाम लेता है तो फिर क्यों चौंक जाते हो, चलो माना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती, मगर इतना समझ लो तुम, जहाँ चाहत नहीं होती वहाँ नफ़रत के होने का कोई इम्कान नहीं होता, मेरा दावा है चाहत में जहाँ नफ़रत नहीं होती वहाँ अक्सर ये देखा है, अगर कुछ वक्त कट जाए समय की धूल छट जाए तो वहशत भाग जाती है मोहब्बत जाग जाती है। होप कि आपको ये वाली शायरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब एक और सुनाती हूँ मैं आपको, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरे दिल की आवाज़ कह लें आप उसको। तो मेरी ये वाली पोइट्री भी सुनिए। मेरे हम सफ़र मेरे हम नशीं, मैंने रब से मांगा तो कुछ नहीं, मैंने जब भी मांगी कोई दुआ नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा, ये तलब किया कि मेरे खुदा सभी राहतें सभी चाहतें वो अता करे तुझे मंजिलें, ये तलब किया कि मेरे खुदा तुझे बख्त दे तुझे तख्त दे तुझे ताज दे, मेरे हम सफ़र मेरे चारागर ये मोहब्बतों का कठिन सफ़र, मेरे साथ चलना ज़रा सोच कर ज़रा देख तो मेरा हौसला, मेरे पास जो भी है वो तेरा नहीं और कुछ भी तेरे सिवा, मेरी मोहब्बतें मेरी ज़िंदगी मेरी खामोशी मेरी बेबसी, मेरा इल्म भी मेरा नाम भी कि मेरी सुबह भी मेरी शाम भी, कि जो मिल सके मेरे नाम भी वो सभी कुछ तुझको अता करे,
मेरा चारागर, मेरा यकीन कर। मुझे मांगना तो ना आ सका, मैंने फिर भी मांगी यही दुआ कि गवाही देगा मेरा खुदा। मैंने जब भी इससे तलब किया, नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा। होप कि आपको ये तीनों पोइट्रीज अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये पोइट्रीज अच्छी लगी तो इन पोइट्रीज को लाइक करके और वीडियो पे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द कुछ नई अच्छी शायरी के साथ दोबारा अपने चैनल पर आपको मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।